सीधा सीधा धर्मांतरण और विश्व हिंदू परिषद गठबंधन इसकी कड़ी चुनौती करता है और आगे हम इस पर कार्रवाई करने के लिए काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम बात करने जा रहे हैं धर्मांतरण की। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में इन दिनों बहुत तेजी से हो रहा है, ये कहना भी गलत होगा कि इन दिनों नहीं हो रहा है। धर्मांतरण पिछले 15 सालों से हो रहा है और छत्तीसगढ़ को अपने चंगुल में रखा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी धर्मांतरण होता था, पर इस रफ्तार से नहीं होता था। उस समय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव घर वापसी मिशन चलाते थे और घर वापसी मिशन पे बहुत से वनवासी जो धर्मांतरित हो चुके रहते थे वो वापस एक सम्मानजनक तरीके से वापस हिंदू धर्म में आ जाते थे। यह अभियान भी दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ ही खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि अभी उनके पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव इस अभियान को चला रहे हैं, पर अभी इसमें वो रफ्तार नहीं है जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के समय था। और जुदेव जी के जाते ही एक नारा लगता था, जय जुदेव जय जुदेव, और जय जुदेव के नारे के साथ ही धर्मांतरित हिंदू कहीं ना कहीं प्रभावित होकर वापस अपने धर्म में आ जाता था एक सम्मानजनक तरीके से। यह बंद हो चुका है, लेकिन इससे भी कहीं तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, जिसकी शिकायत स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने अपने समय भी कह दिया था। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, प्रशासनिक आतंकवाद। ये प्रशासनिक आतंकवाद क्या है? ये प्रशासनिक आतंकवाद वह है जब कोई धर्मांतरण के खिलाफ बोलता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, और धर्मांतरण के खिलाफ जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो नहीं बोलता। तो यही कारण है कि प्रदेश में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है। हर गांव में, हर शहर में धर्मांतरण की शिकायतें आ रही है और धर्मांतरण का विरोध भी हो रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसके पीछे प्रशासन की कमजोर इच्छा शक्ति है और प्रशासन के ऊपर सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति। हम इसमें सरकार को बिल्कुल ही कटघरे में खड़े करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार भी एक हिस्सा है समाज में प्रभावशाली। सरकार चाहेगी तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो सकारात्मक हो समाज के लिए। हम सरकार को ईसाई मिशनरियों के खिलाफ डंडा घुमाने नहीं कह रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण जहाँ हो रहा है उसमें तो सरकार को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी और धर्मांतरण का विरोध करना होगा, भली वो कानूनी तरीके से हो, क्योंकि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। और जब राष्ट्र का अंतरण हो जाएगा तो लोग यहाँ अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ब्रिटिश जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तो क्या हमारे शहीद इसलिए फांसी के फंदे पर झूले थे कि यहाँ ब्रिटिश कालीन व्यवस्था हो जाए और लोग अमेरिका जिंदाबाद कहे? क्योंकि इसी धर्मांतरण के कारण, इसी धर्म जाति के कारण आज यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो क्या हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से निजात पा रहे हैं? नहीं पा रहे, लेकिन हम अमेरिका जिंदाबाद के नारे को प्रबल करने के प्रयास में लगे हुए हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि कल यहाँ अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगेंगे। जो कहीं ना कहीं ईसाई धर्मांतरित लोगों की आस्था उन देश विदेशों में बैठे ईसाइयों के प्रति होगी जो वहाँ बैठ कर यहाँ अपना ब्रेन चलाते हैं हमारे देश में। अभी ये घटना राजधानी रायपुर की है, राजधानी रायपुर से लगे दतरेंगा, सेजबहार, लालपुर और देवपुरी और अभनपुर के सारे रोड के गांव प्रभावित हैं। इन गांव में हर संडे, हर रविवार को संडे बाइबिल की प्रार्थना होती है और शिक्षा के आड़ में बाइबिल का संदेश दिया जाता है। हम बाइबिल का भी विरोध नहीं करते, क्योंकि हिंदू समाज में किसी का विरोध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइबिल के विरोध इसलिए भी करना पड़ रहा है कि बाइबिल के आड़ में राष्ट्रांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लोगों के धर्म बदले जा रहे हैं। और अब एक नया चीज़ आ गया है कि पहले एक जमाना था कि जॉन, रोजी, पीटर, ये नाम हमारे सामने आते थे, लेकिन अब धर्मांतरण करने वालों ने नया चाल चला है कि लोग अपना सरनेम भी नहीं बदलेंगे और जात भी नहीं बदलेंगे, लेकिन धर्म बदल देंगे रातों रात, जो आपको कभी पता नहीं चलेगा। और धर्म बदलने के खिलाफ हैं हम, कि धर्म बदलकर आप देश के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि देश के खिलाफ आप जाएंगे तो देश में पूरी तरह संकट के घेरे में आ जाएगा। और इस संकट से बचने के लिए ही हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं, और हम उन्हें हिंदूवादी कहते हैं, वो हिंदूवादी नहीं, वो राष्ट्रवादी संगठन है जो धर्मांतरण के विरोध में काम कर रहे हैं। कल के जो घटना थी उसके हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उन वीडियो को देख के आपको लगेगा कि क्या जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, खेलना चाहते, वो रविवार के दिन बड़ी संख्या में एक बंद कमरे में, बंद हाल में एकत्र हो गए और वहाँ उन्हें शिक्षा दी जा रही है, हाथ में बाइबिल दिया गया है और कहा जा रहा है हम इन्हें शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं? अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो सरकार का दावा है कि हम छत्तीसगढ़ के स्कूलों की स्थिति सुधार दिए हैं, स्कूल में सुविधाएं दे रहे हैं, तो फिर सरकार झूठी है, ईसाई मिशनरी सही है जो शिक्षा दे रहे हैं? अगर ईसाई मिशनरी शिक्षा दे रही है तो सरकार क्या कर रही है? फिर शिक्षा कौन दे रहा है? अभी हाल ही में गृहमंत्री रामसिंह पैगरा जी का बयान आया है कि पत्थलगड़ी में ईसाई मिशनरियों की चाल है। तो क्या ईसाई मिशनरी इतनी ताकतवर हो गई है पत्थलगड़ी जैसे आंदोलन चला रही है ग्रामीण में, आदिवासी अंचलों में? तो फिर ऐसा लगता है कि अगर पत्थलगड़ी आंदोलन आदिवासी क्षेत्रों में चल रहा है तो शहरों में भी चल रहा है। शहर में पत्थलगड़ी नाम होकर ईसाई मिशनरी संडे प्रार्थना का नाम दे रखे हैं, लेकिन कल कहीं ना कहीं राष्ट्र के खिलाफ आवाज़ उठेगी और लोग कहेंगे अमेरिका जिंदाबाद। अगर आपको अमेरिका जिंदाबाद के नारे नहीं सुनना है तो आपको विरोध करना पड़ेगा।
अमित कर रहे हैं, ये सीधा सीधा धर्मांतरण है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी कड़ी चुनौती करता है और आगे अब इस पे कार्रवाई करने के लिए काम करेगा। ऋषि मिश्रा, बजरंग दल जिला संयोजक रायपुर है, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये धर्मांतरण हो रहा है और ये विषय आज से नहीं कई वर्षों से है, क्योंकि इस विषय पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जब भी कार्रवाई करता है तब तब यह बोला जाता है कि धर्म खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है और ये अल्पसंख्यक हिंदुओं को शिक्षा, नौकरी, पैसे और इन चीज़ों का प्रलोभन दे के पूरे छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है और इस धर्मांतरण को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कड़ी कार्रवाई और कड़ी मांग की है पुलिस प्रशासन से। अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो बजरंग दल इसका रोड पर उतर कर विरोध करेगा और धर्मांतरण पूरे छत्तीसगढ़ में होने नहीं देगा। अगर इनको शिक्षा और सेवा का भाव लगता है तो एक हाथ में क्रॉस और एक हाथ में बाइबल लेके यहाँ पे शिक्षा और उनकी वो नहीं समझी जा सकती। अगर आपको करना ही है तो निस्वार्थ श्री राम जी का नाम लेके आप करें यहाँ पे, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, मगर उस भाव में श्री राम जी का ही भाव होना चाहिए। जय जय श्री राम। ऋषि कुमार मिश्रा, बजरंग दल जिला संयोजक रायपुर। प्रकाश नाम, पूरा नाम क्या लिखते हैं, आधा नाम क्या बताते? जय प्रकाश साहू। जय प्रकाश साहू, कहाँ रहते हो आप? कहाँ? यहीं रायपुर फाफाड़ी। यहाँ क्या करने के लिए? भजन करते हैं यार। इसका भगवान राम का भजन करा रहे साहू जी? हम अपना भजन, हमारी इच्छा है सर, स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ मैं। नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग को, बच्चे लोग को बाइबल दियो हाथ में। आप बच्चे लोग को दिखाओ, छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे हाथ में बाइबल। हम तो सोचे कि यहाँ पे शिक्षा बांटी जा रही, शिक्षा हो रही है, शिक्षा है। कुछ कुछ टीचर यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा है, यहाँ किसी का नाम है, किसी की जात नहीं बदली जा रही। आप बैठिए ना आराम से, भाग क्यों रहे हैं?